बलूचिस्तान के 2200 लोग गायब हैं और किसी को पता नहीं है कि उन्हें कहां रखा गया है, वे जिंदा भी हैं या नहीं। बलूच मौजूदा पाकिस्तान में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, जैसे कि वे अपने ही देश में कोई विदेशी या आतंकवादी हो। मीडिया भी उनसे अनगिनत सवाल करता है और पाकिस्तान के राजनेता और नौकरशाह उनसे बात तक नहीं करते। हर गुजरते दिन के साथ बलूच लोगों में निराशा की भावना और भी गहरी होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। बढ़ते हैं खबर में आगे की ओर। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जातीय और भाषाई समूहों में बंटा देश है। प्रत्येक प्रांत एक निश्चित भाषाई समूह से जुड़ा हुआ है। पंजाबी बहुल पंजाब, सिंधियों के लिए सिंध, बलूचों के लिए बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा पश्तूनों का प्रांत है। बलूचिस्तान में पश्तून सिरा की और सिंधियों की भी अच्छी खासी संख्या है। बलूचों ने पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के मात्र एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तब की कलात विधानसभा के दोनों सदनों ने पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के विलय को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि बाद में कलात के राजा खान को जबरन पाकिस्तान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद बलूचिस्तान में खूनी आंदोलन शुरू हो गया। इस्लामाबाद में इन दिनों बलूच अपने गायब हुए करीबियों की फ्रेम की हुई तस्वीरें लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। बलूचिस्तान इस उम्मीद के साथ आए हैं कि पाकिस्तान के राजनेता और नौकरशाह उनकी बात सुनेंगे और बलूचिस्तान से गायब हुए उन 2200 लोगों को वापस कर देंगे, जिनमें उनके पिता, पति या भाई शामिल हैं। बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता मेहरांग बलोच के नेतृत्व में हजारों बलूच कड़कड़ाती ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। यहां पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री उन पर लाठी चार्ज को सही ठहराते हैं और उन्हें दुश्मन देश का एजेंट बताते हैं। अच्छा जी, आपको पता आप क्या कह रहे हैं? आप लोग तमाशा कर रहे हो, ये तमाशा कर रहे हैं। मेरी बात समझ लें, आप एक छोटे से ऑफिसर, आप आईजी के बिहाफ के ऊपर बातें ना करें, आप बातें ना करें, ठीक है ना? स्टेट की तरफ क्यों आपने कहा ड्रामा रचा रहे हैं? ये जिनके लापता है वो ड्रामा रचा रहे हैं। कौन है एसपी साहब? आपको शर्म नहीं आती हमारा एफआईआर लॉज? इसी बीच बलूचिस्तान में अलग देश की मांग भी जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह उग्र हो रहा है, पर पाकिस्तान बलूच लोगों की बात सुनने की जगह उन पर अत्याचार कर रहा है और उनके आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों ही दबाव बना रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अमली तौर पर पूरी आवाम, ये पाकिस्तान की आवाम, इस रियासत को ये पैगाम दे कि अपने आईन को लागू करो, अपने आईन को इज्जत दो, अपने आईन की कदर करो। आप इस मुल्क के, इस स्टेट के वज़ीर आज़म हो और आपने जिस आईन का ओथ लिया है, आप उसकी उसी को ही लागू करो और इस तहरीक का साथ दें। इस तहरीक से जुड़े हुए हर फर्द को, आज ये तहरीक शायद अपने 40वें दिन में गुजर चुकी है और आज हमारे पास तकरीबन 100 से ज़ायद ख़ानदान है जो इस तहरीक के अमरा हैं, लेकिन इस तहरीक को पूरे पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि हमारी तहरीक की मदद करें और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि कोऑपरेशन के नाम पर हमारी हरासगी, हमारी प्रोफाइलिंग बंद कर दी जाए। हमें आपसे कोई कोऑपरेशन नहीं चाहिए। हम बारह कह चुके हैं कि हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। हम यहाँ आए हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। हमें बार बार हरासा करके, तंग करके हमारे हौसलों को पस्त करने की नाकाम कोशिशें बंद कर दें।
अब दुनिया को भी आंखें खोलनी चाहिए और बलूचिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर टेरर को रोकने के लिए अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। धन्यवाद।